लिए ना। ओके तो ये अभी तक YouTube पे मैंने जितनी भी चीज़ें अनबॉक्स करी है उनमें से सबसे बड़ी अनबॉक्सिंग है, आई मीन सबसे बिगेस्ट अनबॉक्सिंग जो प्रोडक्ट है इसमें वो काफ़ी बड़ा है। तो एक्साइटमेंट क्या है भाई इसके अंदर क्या है, लेट्स फाइंड आउट। तो पहले इसको फाड़ देते हैं उसके बाद फिर आपको बताएंगे कि क्यों मैंने खरीदा है। एक्चुअल अंदर क्या है वो तो अभी पता ही नहीं होगा भाई, इतने बड़े डब्बे को खोलते कैसे है। ये भाई खड़ा होना पड़ेगा भाई, फ्रेजाइल, अभी टूट जाएगा आपका एक्साइटमेंट। ये है एसर का गेमिंग मॉनिटर। तो आपको इसके स्पेक्स बताऊं उससे ज़्यादा अच्छा है कि पहले अनबॉक्स कर लेते हैं और फिर डायरेक्ट आपको दिखाते हैं कि मॉनिटर में खासियत क्या है। ऑलराइट गाइस, तो हैप्पी न्यू ईयर, नया साल आ गया है, सब पार्टी करो और अपने गोल्स को अचीव करो। और न्यू ईयर रेजोल्यूशन बना रहे हो तो लिख दो नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर के, एज अ प्रूफ रह जाएगा कि तुमने पूरे करे कि नहीं करे। और नया नया मॉनिटर भी आ चुका है न्यू ईयर में, न्यू मॉनिटर, ये तो ये एसर का नाइट्रो VG271U है, 27 इंच का मॉनिटर है और लाइक काफी बड़ा है, 2K मॉनिटर है। मेरा लैपटॉप भी एसर का है, अब ये मैं समझना कि एसर का फैन बॉय है। फिर मुझे LG का मॉनिटर खरीदना था क्योंकि उसकी कलर प्रोडक्शन काफी सही होता है LG का मॉनिटर का, बट यार उसमें 2K लाइक रेजोल्यूशन मुझे मिल नहीं पा रहा था, 144Hz का कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा था जिस प्राइस पॉइंट मैंने इसको खरीदा है उस प्राइस पॉइंट पे। ये पूरा IPS पैनल है तो व्यूइंग एंगल्स वगैरह काफी सही है, इसमें बेजल्स भी काफी पतले हैं, लाइक मोटे बेजल्स नहीं है और यूज करने में काफी सही लगता है। और मेरे लिए एक्चुअली काफी बड़ा लाइक डिस्प्ले अपग्रेड है क्योंकि मैं इन्हें कभी इतना लाइक बड़ा मॉनिटर आज तक कभी यूज नहीं करा था। टीवी है बड़े बट यार मॉनिटर मेरे लिए बड़ा है सामने इतना। इस मॉनिटर में कुछ झकास चीजें हैं जैसे कि आपको 144Hz का रिफ्रेश रेट मिल जाता है जो काफी सही है और मस्त काम कर जाता है। 100% sRGB का कवरेज मिल जाता है कलर का। तो जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा ना कि ये 100% sRGB क्या होता है तो मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। देखो तो ये वाला जो मॉनिटर है मेरा एसर का, इस पर रेड ग्रीन और ब्लू जो कलर है वो आप देखो कैसा दिख रहा है। अब मैं शिफ्ट करूंगा इस लैपटॉप पे तो आप यहाँ पे देख सकते हो रेड थोड़ा सा फेंट सा है, ग्रीन थोड़ा कम ग्रीन है और ब्लू थोड़ा सा फेंट, तो काफी ज्यादा का डिफरेंस है राइट। देखो डिफरेंस है ना दोनों कलर में, इस वाले में और उस वाले में। तो ये होता है कलर कवरेज, इसमें 100% sRGB है इसलिए कलर्स ज्यादा पॉपी है और सब कुछ आपको एकदम क्लियर दिख रहा है, बट इसमें 30% 40% के अराउंड होगा तो काफी ज्यादा डिफरेंस है दोनों पैनल्स में। आप देख सकते हो यहाँ पे काफी ज्यादा का डिफरेंस है। अब देखो मैं ये लैपटॉप पे इसलिए आपको नहीं डेमोस्ट्रेट कर पाया जस्ट बिकॉज क्योंकि ये वाला जो लैपटॉप है इसका भी sRGB काफी ज्यादा परसेंटेज है, मतलब 80 के अराउंड है, बट ये वाला 100% है। तो देखो दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है बट ये वाला ज्यादा बेटर है, ये मॉनिटर एसर वाला। प्लस इस मॉनिटर पे एंटी ग्लेयर की कोटिंग भी की हुई है तो मतलब रिफ्लेक्शंस वगैरह नहीं होते, सामने से लाइट वाइट जल रहा है यहाँ पे देख सकते हो, कोई रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा, मतलब सब कुछ विजिबल है यहाँ पे। और HDR वगैरह भी सपोर्टेड है, 400 निट्स की ब्राइटनेस भी है और काफी सही मतलब कलर वगैरह देखने को मिल जाता है। और पूरा प्लास्टिक का बिल्ड है, लाइक 3-4 किलो का है भाई, काफी भारी भी है। और मॉनिटर में पोर्ट्स की बात करें तो HDMI का यहाँ पे 3 पोर्ट है और ऑडियो जैक आपको हेडफोन जैक यहाँ पे मिल जाता है देखने को, और HDMI 2.0 को सपोर्ट करता है ये। अब इतनी सारी अच्छी चीजें हैं तो ऐसा भी नहीं है कि मॉनिटर एकदम परफेक्ट है, इस पे कुछ कुछ चीजें अभी भी मिसिंग आउट हैं, जैसे कि इसमें आपको हाइट एडजस्ट नहीं कर सकते हो आप, खाली ऊपर नीचे टिल्ट होता है हल्का फुल्का ये, और उसके अलावा ज्यादा कुछ एडजस्टमेंट आप इसमें नहीं कर सकते। प्लस जो डीप ब्लैक्स, अगर आप जब भी कभी स्क्रीन पे ब्लैक कुछ वॉलपेपर खोल लो या फिर कुछ भी ब्लैक स्क्रीन खुल गया तो उस केस में आपको स्क्रीन ब्लीडिंग इश्यूज देखने को मिलेंगे कोने कोने में और कभी कभी स्क्रीन के बीच में भी थोड़ा थोड़ा आपको पता चलेगा। ओके तो ये मॉनिटर एक्चुअल में गेमिंग मॉनिटर है तो गेमिंग के लिए ये लाइक डिजाइन किया हुआ है, तो गेम वेम खेलने के लिए मस्त इसको बनाया, गेमर भाई लोग गेम वेम खेलेंगे और मजा करेंगे। तो चलो आते हैं मेन मुद्दे की बात पे कि मैंने ये मॉनिटर क्यों खरीदा है। तो कुछ टाइम पहले मैं अपने लैपटॉप पे एडिट कर रहा था और वो एकदम छोटा स्क्रीन था और मेरे पास बजट भी नहीं था कि मैं मॉनिटर वगैरह में अपग्रेड कर पाऊँ। अब क्या होता है कि इस छोटे स्क्रीन पे एडिट करने में कोई दिक्कत नहीं आती है, बट जो टाइमलाइन बनती है ना एडिटिंग की वो काफी ज्यादा लंबी होती है और स्क्रॉल कर करके यार दिमाग खराब हो जाता है, और ऐसे मेरे आंखों पे चश्मा लगा हुआ है भाई, अब छोटी छोटी चीजें देखूंगा तो और आंख खराब हो रही थी। तो मैंने सोचा यार कि अपग्रेड कर रहे हैं तो बढ़िया वाला ही खरीद लेते हैं, मस्त एकदम बड़ा वाला, इसमें मजा आ जाएगा यूज करके। अब बहुत लोग बोलेंगे कि डुअल स्क्रीन करके यूज कर सकते हो लैपटॉप को स्टैंड पे लगा करके, इतना बड़ा क्या लेने की जरूरत थी, छोटे में भी काम बन जाता। तो यार वो भी कर सकते
सकते हैं, बट मेरे को वो कन्वीनियंट नहीं लगता है। मेरे को लगता है कि एक ही स्क्रीन प्रोवाइड करो, अलग से कीबोर्ड दे दो, माउस दे दो, उसको मैं एज अ डेस्कटॉप समझ के यूज करूंगा और मस्त काम बन जाएगा मेरा। अब एडिटिंग के लिए 144Hz की रिक्वायरमेंट डेफिनेटली नहीं होती है, मतलब 60Hz 75Hz वाले मॉनिटर भी आते हैं उसमें एडिटिंग हो जाती है, बट मैं जो लैपटॉप यूज कर रहा था पहले उस पर 144Hz का रिफ्रेश रेट और वो काफी ज्यादा था मेरे लिए और मुझे उसकी आदत पड़ चुकी थी। तो मैं कोई भी नॉर्मल लैपटॉप भी यूज करता था ना, मैक भी अगर यूज करता था, तो मुझे ना काफी कर्सर लगता था कि भाई ऐसे गिर रहा है, धीरे धीरे करके जा रहा है, स्लो स्लो टाइप फील होता था। तो मुझे लगा भाई वो मेरा सर दर्द होगा, उससे अच्छा 144Hz ही लेंगे क्योंकि आदत लगी हुई है मुझे इस। तो अब इस मॉनिटर में मेरा वर्क फ्लो काफी ज्यादा स्मूथ हो गया है, मैं एक साथ मल्टीटास्किंग कर पा रहा हूँ, एक साथ 3-4 विंडोज खोल करके मस्त उसको एक ही स्क्रीन पर सब कुछ कर पा रहा हूँ। और ओवरऑल जो एडिटिंग के लिए मैंने खरीदा था कि मुझे छोटी छोटी मतलब टाइमलाइन पूरी की पूरी एक स्क्रीन पर दिख जाएगी, वो पर्पस यहाँ पे फुलफिल हो गया और मजा आ रहा है मुझे यूज करने में। तो इस मॉनिटर को मैं अराउंड 25,000 पे करके लाइक अमेजोन से मैंने ऑर्डर करा। इस प्राइस पॉइंट पे और भी मॉनिटर्स हैं अवेलेबल मार्केट में, तो अगर आप फोटो एडिटिंग या फिर कुछ करते हो इस तरह कलर वाला काम है आपका, मतलब कलर एक्यूरेसी वाला काम है, इन दैट केस बहुत सारे मॉनिटर्स है जो अच्छे क्वालिटी के हैं, इतना रिफ्रेश रेट और मतलब ये 1ms का रिस्पॉन्स टाइम वगैरह प्रोवाइड नहीं करेंगे आप, बट उनके भी क्वालिटी काफी सही है, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो जब भी कभी लैपटॉप खरीदने जा रहे हो तो ये वाली गलती मत करो इस वीडियो को चेकआउट करके, और जाने के पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, और न्यू ईयर रेजोल्यूशन प्लीज नीचे छोड़ करके जाना। सब्सक्राइब टू मी, बाय बाय।